ओके जी, तो आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास फ्रीज पेंस का एमएस एक्सेल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप व्यू टेप के अंदर जाके एक ऑप्शन देखेंगे यहां पे फ्रीज पेंस, जो जूम के राइट में एक ग्रुप है विंडो के नाम से, उसके अंदर ये आपका फ्रीज पेंस के नाम से एक ऑप्शन है, राइट। अब इसको किस तरह के सिनेरियो में यूज किया जाता है, देखिए हमारे पास होता यह है कि अगर आपके पास डेटा ज्यादा है, सही है, आपकी फॉर एग्जांपल जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स या इस तरह के कॉलम आपके ज्यादा हैं और आप राइट की तरफ मूव करते हैं इस तरह से, तो आपका ये लेफ्ट की जो चीजें हैं वो हाइड हो जाती है ना। अब कल को ये होता है कि आपका डेटा अगर यहां है तो देखो अब मुझे कैसे पता चले कि कौन से बच्चे का ये रिजल्ट है जो पास है या फेल, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ना, सही है। तो हम या क्या कर लेते हैं, हम एक्चुअल में हेडिंग्स जो होती हैं, लेफ्ट हेडिंग हो या आपकी टॉप हेडिंग हो, इनको फिक्स कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं, कौन से क्लियर, ताकि अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो मुझे ये जो नाम है ये मुझे दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट की तरफ जाता हूं, देखें तो मैं चाहता हूं ये गुम ना, नाम गुम ना हो। अगर आप ये चाहते हैं देन यू हैव टू परफॉर्म अ फ्रीज पेन, कौन से क्लियर। अब आप चाहते हैं कि ये वाला कॉलम हमें फिक्स करना है, इसको आपने मूव नहीं बनाना, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट अ राइट कॉलम, यानी जिस कॉलम को आप फिक्स करना चाहते हैं उसके राइट वाला कॉलम, उसको सिलेक्ट ऑल कर देना यहां से जाके, ठीक है। सिलेक्ट के लिए आपके पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, लेकिन देखें आपका ये टॉप वाला जो रो है इसमें क्या किया हमने किया हुआ है मर्ज, तो ये होगा नहीं। तो कोशिश करें जिस कॉलम को आप फिक्स करना चाहते हैं वो ए है, तो उसके राइट में कौन सा कॉलम है, बी, तो उसको जाके सिलेक्ट करें, ये पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पे आके फ्रीज पे क्लिक करना है, और आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, कौन सा क्लियर हो गया, तो आपने इसको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना, सही। अब अगर मैं राइट की तरफ मूव करूंगा तो आप देखेंगे वो कॉलम फिक्स हो चुका है, अब मुझे पता चल रहा है ना कि कौन से बच्चे की रिजल्ट पास है या फेल है, कौन सा क्लियर हो रहा है। तो ये तो था कि पहला कॉलम फिक्स करो या फ्रीज करो, इसी तरह से आपको अगर पहला क्या रो फिक्स करना है या आपका जो पहला रो है उसको क्या करना है, फ्रीज करना है, तो अगर मैं यहां से आके फ्रीज टॉप रो करूंगा तो देखें एक ही रो फिक्स होगा या फ्रीज होगा, कौन सा वाला, जो ये बस हेडिंग लिखी हुई है मार्कशीट एंड एक्सेल, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए ना, सब्जेक्ट मान नाम ये वो सारी चीजें, कि कल को मैं नीचे जाऊं तो क्या दिखे, सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं या जो हेडिंग सही है वाली, जब मैं नीचे जाऊं तो मुझे हेडिंग दिखे ना, ये गुम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप इस पे भी क्या करना चाहेंगे, देखें अब अगर मैं नीचे जा रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्कशीट हमने फ्रीज की हुई है ना, जबकि ये फ्रीज नहीं करना, क्योंकि यहां पे एक ऑप्शन था कि फ्रीज टॉप रो, यानी पहला रो फ्रीज कर दो या फिक्स कर दो, ये नहीं करना। आप चाहते तो ऐसा ना हो, मैं दो तीन रो या दो तीन कॉलम फ्रीज करना चाहता हूं, तो जितने कॉलम आपको फ्रीज करने हैं या रो फ्रीज करने हैं उन सब के बाद, फॉर एग्जांपल मुझे ये दो कॉलम क्या, सॉरी रो क्या करने है? फ्रीज करने है ना, एक ये वाला और एक नीचे वाला, तो मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे इनके बाद तीसरा रो है इसको सिलेक्ट करूंगा पूरे रो को, और यहां से आके कहूंगा फ्रीज पेंस। अब क्या बोलेंगे उसको, पहले अनफ्रीज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीज पेन, देखें फ्रीज टॉप रो यानी पहला वाला रो फ्रीज कर दो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम यानी पहला कॉलम फ्रीज कर दो, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज पेंस का आप यूज करें, कौन से क्लियर हो गया, समझ में आ रहा सबको। तो मुझे
पहला रो नहीं, मुझे दो रो फ्रीज करने हैं, एक तो मार्कशीट इन एमएस एक्सेल ये वाला रो, और दूसरा जिसमें स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, ये सब लिखा हो, ऐसे ही है। तो मैंने इन दोनों रो के बाद जो तीसरा रो आ रहा है उस पूरे को सिलेक्ट करना है, और यहां से आके क्या कर देना है, फ्रीज पेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका कॉलम, देखें इस तरह से दोनों कॉलम फ्रीज हो गए, एक लाइन नजर आ रही है ये वाली, देखो ये बता रही है कि दो रो जो है आपने फिक्स किए हुए हैं, फ्रीज किए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, सबसे बड़ा मसला बेटा ये होता है कि अब अगर आप कोई पहला कॉलम भी फ्रीज करते हैं, यानी रो भी फ्रीज रहे और कॉलम भी फ्रीज रहे, तो ऐसा अभी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जैसे मैंने कहा है कि भाई दो जो जो रो हैं वो फ्रीज हो रहे हैं, उसके बाद मेरा जो पहला कॉलम है वो भी फ्रीज हो जाए, तो मैं यहां पे आके अगर कहता हूं फ्रीज टॉप, सॉरी फर्स्ट कॉलम, तो आप देखेंगे कि रोज के ऊपर से जो फ्रीज अप्लाई था वो हट गया, अब सिर्फ और सिर्फ कॉलम के ऊपर फ्रीज है। यानी अगर मैं राइट की तरफ मूव करूंगा तो ये एक कॉलम फिक्स हो गया है, कॉलम फिक्स हो गया है। अब अगर मैं नीचे की तरफ आता हूं तो देखें आपके जो रोज को आपने फिक्स किया हुआ था वो हट गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका, ठीक है, अच्छा इसमें यह था कि आप फर्स्ट रो नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मल्टीपल रोज हो जाए, तो आप वो तो कर ही सकते हैं, यहां पे दो कॉलम छोड़ के इनको फ्रीज करना है तो यहां पे आके तीसरे कॉलम को सिलेक्ट करें और फ्रीज पेन करें, तो दो कॉलम भी फ्रीज हो सकते हैं जैसे हो रहे हैं, है ना? सही है, दो कॉलम फ्रीज करो, तीन कॉलम फ्रीज करो, तीन रो फ्रीज करो एट ए टाइम, लेकिन यहां पर मसला यह है कि या तो रो फ्रीज होंगे या तो कॉलम फ्रीज होंगे, दोनों फ्रीज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझे दोनों फ्रीज करने, ऐसे ही है ना? तो आपको दोनों कैसे फ्रीज करने हैं, सबसे पहले तो अनफ्रीज कर लो इसको, सबसे पहले यहां से आके अनफ्रीज करो इसको। अब आपको कौन से रो और कौन से कॉलम फ्रीज करने हैं बेटा? आप चाहते हैं ये वाला रो भी फ्रीज करना और ये वाला रो भी फ्रीज करना, यानी मार्कशीट इन एमएस एक्सेल ये भी रो दिखना चाहिए, और जो स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री की हेडिंग है, टॉप हेडिंग भी शो होनी चाहिए और लेफ्ट हेडिंग भी शो होनी चाहिए, ये दोनों चाहते हो ना फ्रीज। तो आप क्या करोगे, यहां पे सब्जेक्ट वन के नीचे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इस पे आपको कर्सर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां पे कर्सर रखने के बाद आप शीट को स्प्लिट कर देंगे या उसको तोड़ देंगे या डिवाइड कर देंगे, कर लिया? यानी मैं क्या चाह रहा हूं, टॉप वाले दो रो और लेफ्ट वाला एक कॉलम, समझ में आ रहा है? टॉप वाले दो रो और लेफ्ट वाला एक कॉलम, इनको क्या कर देना, यहां से आके फ्रीज पेंच कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका मकसद टॉप के दोनों रो और लेफ्ट का एक कॉलम क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं राइट की तरफ जाता हूं तो आप देखेंगे हमारा एक कॉलम फ्रीज हो चुका है, हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं नीचे की तरफ आता हूं तो मेरे पास एक क्या है, ये दोनों आपके रो भी क्या हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? तो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स बोथ को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ये था आपके पास एमएस एक्सेल के अंदर हाउ टू फ्रीज रोज कॉलम्स एंड रोज इन कॉलम, यानी एक साथ। ठीक हो गया जी?